जैसा आपको पहले बताया कि नमक का मतलब सामान्यतः होता है चंद्रमा। समुद्र में सर्वाधिक नमक होता है, पानी नमकीन होता है, और आप देखिए फुल मून के आसपास चंद्रमा की जो किरणें होती हैं वो समुद्र के पानी को हवा में उछाल देती हैं, क्योंकि नमक जो है या जो सॉल्टी वाटर है वो चंद्रमा से कनेक्ट करता है। सामान्य पानी नहीं, नमक वाला पानी या नमक। ज्योतिष में कैसे प्रयोग करें? अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग ना करें। अगर चंद्रमा आपका कमजोर होगा, समुद्री नमक का प्रयोग करेंगे तो ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा। ऐसी दशा में सेंधा नमक का प्रयोग करना लाभकारी होगा, उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहेगा। अगर मंगल कमजोर है तो समुद्री नमक का प्रयोग करें, क्योंकि अगर मंगल कमजोर होगा तो ब्लड प्रेशर लो होगा। ऐसी स्थिति में नमक चीनी पानी का घोल पीने से लाभ होगा। घर में नमक जहां जिस कांच के बर्तन में आप रखती हैं या कांच के मर्तबान में रखती हैं, उसमें अगर दो चार लौंग डाल करके रखिए तो बड़ा सुंदर होगा। ऐसा करने से समृद्धि बनी रहेगी। घर में जब पूंछा लगता है आप उसमें सामान्य नमक डाल लीजिए पूंछे के पानी में, और उससे घर में पूंछा लगाइए, बहुत लाभकारी होगा। और अगर पत्थर वाला नमक मिल जाए, रॉक साल्ट मिल जाए, तो आप उसके टुकड़े करके उसको भी पोंछे के पानी में डाल दीजिए, और उससे भी पोंछा लगवाने से बहुत फायदा होगा। यानी नमक वाले पानी से अगर घर में नियमित रूप से पोंछा लगाया जाए तो घर से बीमारियां दूर होती हैं, घर के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होता है। अगर आपका मन कभी भी अशांत हो, आपको कारण समझ में नहीं आ रहा हो, आपको अच्छा फील ना हो रहा हो, आपको बेचैनी हो रही है, मन परेशान हो रहा है, तो एक बाल्टी पानी में आधा चम्मच नमक डालिए, उस पानी से नहा लीजिए। नमक मिले हुए जल से नहाइए, निगेटिविटी तुरंत दूर हो जाएगी। पत्थर वाले नमक का टुकड़ा अपने घर के हर कमरे के कोने में रखना शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर में किसी भी कमरे में किसी भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। अगर किसी को नजर लग गई हो या नजर दोष का चक्कर है, तो एक चुटकी नमक सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। वेशिन का टैप खोलिए, जब पानी बहने लगे तब उस पानी में नमक को गिरा दीजिए, तुरंत नजर उतर जाएगी, तुरंत निगेटिविटी दूर हो जाएगी। अगर कोई लंबे समय से बीमार हो, ठीक ना हो पा रहा हो, तो उसके सिरहाने एक कांच का जो बोल आता है, कांच की जो कटोरी आती है, इसमें थोड़ा सा नमक रखिए उसके सिरहाने, और सप्ताह भर जब बीत जाए तो इस नमक को बदल दीजिए, शीघ्र लाभ होना शुरू हो जाएगा। अगर शुक्र समस्या दे रहा हो, जीवन में आनंद ना हो, रस ना हो, पति पत्नी के बीच में प्रेम ना हो, घर में आनंद नहीं रहता हो, तो नमक का दान अगर आप करें तो बहुत ही लाभकारी होगा। नमक का दान करने से शुक्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।